चंद्रयान की सफलता के बाद भारत अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 की पूरी तैयारी कर चुका है। और दोस्तों, आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर एक डिटेल सामने आई है और इसरो की तैयारी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, आदित्य L1 की लॉन्च रेफरल और इंटरनल चेकिंग की गई है। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो 2 सितंबर यानी आज सुबह 11:50 का वो वक्त होगा जब इसे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस मिशन के तहत किस तरीके से इसरो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है, उसके बाद आज यह तस्वीरें जारी कर यह बताया गया कि किस तरीके से फाइनल चेक किया जा रहा है और किस तरीके से लॉन्च रेफरल्स हो रही है और इंटरनल चेकिंग भी की गई है। और अब चंद्रयान के बाद मिशन आदित्य को लेकर डिटेल सामने आ गई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि शनिवार 11:50 का वो वक्त होगा जब श्री हरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, धरती से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा है और सूर्य के सबसे पास L1 पॉइंट है। आदित्य की पोजिशनिंग यहीं पर होगी। हालांकि आदित्य L1 में कुल 7 पैलोड लगाए गए हैं और 4 पैलोड सूर्य की निगरानी करेंगे, वहीं 3 पैलोड सूर्य से जुड़ी दूसरी परतों को जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आदित्य L1 लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इस पूरी दूरी को तय करते हुए यह डिटेल सामने आ रही है कि किस तरीके से इस मिशन के जरिए अहम सवालों को जानने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सूर्य का वायुमंडल कैसे 10 लाख डिग्री तक चला जाता है, यह महत्वपूर्ण होगा इस मिशन के लिए जानना। वहीं सूर्य की सतह का तापमान जो कि 6000 डिग्री बताया जाता है, वो ऐसे कैसे रहता है, यानी ये 6000 डिग्री कैसे रहता है, इस सवाल का जवाब जानने की भी कोशिश की जाएगी। और इस मिशन के दौरान सूर्य के बाहरी परत के रहस्य को भी जानने की कोशिश की जाएगी और सौर वायुमंडल पर सूर्य की रोशनी का कितना और कैसे असर होता है, इस सवाल का भी जवाब सामने आएगा। तो दोस्तों, सूर्य के रहस्यों से पर्दा खोलने के लिए हमारा सूर्य मिशन आदित्य L1 पूरी तरीके से तैयार है। और दोस्तों, आज 11:50 पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और इतिहास रचने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।